नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास पेट वाले। दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये कोल्ड फायर पायरो इसको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। फ्रेंड्स ये इस तरह का कोल्ड फायर पायरो रहता है, इसको पायरो बोलते हैं, और ये इस तरह के बॉक्स में आता है। जैसे इसमें लिखा है बेस्ट कोल्ड फायरो फाउंटेन इंडोर यूज, ये कोल्ड फायर है। और ये इसमें लिखा है कि 3M 30S, मतलब 3 मीटर इसकी हाइट रहेगी और 30 सेकंड इसका टाइमिंग रहेगा। पर जब हम इसका ये पैकिंग देखते हैं तो इसमें 35 सेकंड लिखा है और 3 मीटर लिखा है, तो ऐसे लिखा रहता है। और इसकी पैकिंग में एक जो बॉक्स रहता है, इस बॉक्स में 6 पीस आते हैं और इस तरह के रहता है। फ्रेंड्स इसमें 30 सेकंड वाला, 35 सेकंड वाला और 40 सेकंड वाला, इस तरह के अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ये कोल्ड फायर इसलिए है क्योंकि ये जब दूल्हा दुल्हन शादी के इस इवेंट में ये स्टेज पे जब फायर करते हैं, डोली पे जब फायर करते हैं, तो ये ऐसे रहता है। और इस तरह का रिमोट सिस्टम रहता है, ये रिसीवर रहता है और ये रिमोट रहता है। रिमोट से सिग्नल देने पे इसके अंदर जो बैटरी रहती है उसे इग्निशन होके ये फायर होता है। तो इसमें जो फाउंटेन निकलते हैं तो उसे कपड़े के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, कपड़े जलते नहीं, कुछ नहीं, इसलिए इसको कोल्ड फायर बोला जाता है। और ये सेफ़ रहता है, इसमें ब्लास्टिंग होने का कोई चांस नहीं रहता। फ्रेंड्स इसको यदि फायर करना है तो ये अनार जैसे रहता है, पर ये कोल्ड फायर बोलते हैं इसको। इसको यदि फायर करना है, इसमें दो वायर रहते हैं, दो वायर इस डब्बी में यहाँ लगाएंगे और इसके स्विच ऑन करेंगे। जैसे इसमें नंबर है सी, फायरिंग सिस्टम का नंबर सी है, तो मैं यहाँ रिमोट से सी वाली बटन फायर बटन प्रेस करूँगा तो ये इसका फाउंटेन चालू हो जाएगा। तो जैसे एक दो फोड़ना है तो इसका यूनिट कैसे रहता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 40 ऐसे रहते हैं। तो ये यूनिट मेरे पास जो छोटा यूनिट है उसमें चार एक साथ चार फायर कर सकते हैं, और यदि बड़ा प्रोग्राम है तो उसके लिए बड़ा यूनिट है। जैसे इस तरह का रहता है तो इसमें 20 यूनिट्स हैं, इसमें 20 यूनिट एक साथ फायर हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये इस तरह का रहता है, जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें 20 चैनल वाला ये फायरिंग सिस्टम है, तो एक साथ 20 फायर कर सकते हैं। इसमें अलग से अलग प्रोग्रामिंग रहती है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है 20 नंबर का है, तो इसके दो वायर इसमें लगा देंगे और इसकी स्विच यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बैटरी लगती है। फ्रेंड्स ये इसका ये यूनिट है, इसमें इस तरह की बैटरी लगती है। मैं ये देखिए ये बैटरी लगती है, बैटरी नहीं तो इस तरह के ये सेल भी यहाँ पे बैटरी, ये छोटी वाली बैटरी भी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का इसमें फिक्स हो जाता है, ये देखिए ये ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया, और ये देखिए ये ऑफ हो गया। ये अभी ओके कंडीशन में है, मतलब ये रेडी है। और ये जो उसका इसको फायर करने के लिए इसमें रिमोट रहता है, और रिमोट में भी इस तरह की बैटरी लगती है। एवरीडे की बैटरी हमने यूज़ किया है, इसमें लोकल वाली भी आती है, पर ब्रांडेड वाली बैटरी यूज़ करने पे इसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये इसमें ऑन ऑफ की बटन रहती है, तो ये मैंने ऑन कर दिया, ऑन करने पे इसमें एक नंबर आता है। यहाँ से एक प्रोग्रामिंग की स्विच यहाँ पे रहती है, तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं करूँगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके ये 20 चैनल है, इसमें ये 20 आएगा। जैसे मैं इस देखिए इसको अब इसकी तरफ देखिए, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ब्लिंक हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया तो ये ब्लिंक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो भी यूनिट लगाऊंगा मैं, पायरो लगाऊंगा, वो फायर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सिलेक्शन है, यदि इस तरह से करते हैं तो एक साथ 20 चैनल फायर होंगे। तो मैं इसको अभी प्रेस करता हूँ तो देखिए ब्लिंक हो गया, मतलब ये भी फायर हो जाएगा, एक साथ 20 चैनल फायर हो जाएगी। इसको चैनल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं साइड में रख देता हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे दो वायर रहते हैं, यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं सप्लाई से, तो इसको कट करके देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन हो गया है फ्रेंड्स ये सभी इवेंट्स में, शादी में, डोली में, पालकी में, और बड़े बड़े इवेंट्स से लेके छोटे छोटे इवेंट में सभी तरह यूज होता है। इस साइड में ये एक ट्रांसपेरेंट रेड कलर की प्लास्टिक है और इस साइड में ये फॉइल है, तो चलो इसको निकाल देते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप घर में ट्राई मत कीजिए, हम ये वीडियो सेफ्टी टीम के साथ में कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मटेरियल है, हमने इसको निकाल दिया है, ये हमने निकाल दिया। इसके बाद में देखिए अंदर में इस तरह का एक पार्ट है, तो इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं। तो इसको काटना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह का है। ये खर
ये खड्डा है, खड्डे में नीचे में यहाँ पे एक मिट्टी जैसा है ये सील करने के लिए ताकि नीचे फायर ना आए। और ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा है, ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा, ये जैसे फायर होता है ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे एक पेपर के सहारे ये लगा है, तो हम जैसे सप्लाई देते हैं तो ये इग्निशन इसमें ऑन हो जाता है, ये फायर हो जाता है और इसमें चिंगारी निकलती है। तो मेरे ख्याल से ये मिट्टी है, ये सेफ्टी के लिए दिया है और जो कुछ भी फायरिंग मटेरियल है इसके अंदर है, तो इसको मैं आप एक पेपर में निकाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, तो ये एक्सप्लोसिव वाला पार्ट हो गया, ये एक्सप्लोसिव हो गया, इसके छोटे रिफिल के अंदर रहता है और ये ऊपर में ये ऐसे नीचे रहता है, ऊपर में ये मिट्टी रहती है। तो फ्रेंड्स ये अभी इसके अंदर में ये फ्यूज़ था, ये इसको मैं फायर करके बताऊंगा और इसको भी जला करके बताऊंगा कि ये किस तरह से जलता है और ये फायर करके बताऊंगा ये किस तरह से फटता है। फ्रेंड्स ये फ्यूज़ है, ये इस तरह का फ्यूज़ रहता है और ये दो वायर यहाँ लगाना है, ये जो भी सेंसर सिस्टम है उसके एक वायर यहाँ लगाना है और एक वायर यहाँ लगाना है। और जैसे मैं इसको स्विच चालू करूँगा, ये देखिए इसमें एक लैंप लग रहा, और जैसे मैं यहाँ से कमांड दूँगा तो ये दूसरा लैंप में इग्निशन आएगा और इसको फायर होगा। देखिए ये फ्यूज़ है तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा इसका धमाका, तो मैं रिमोट से ऑन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें अभी ये दो LED इंडिकेशन ग्लो हो रही है, जल रही है, इसका मतलब ये सर्किट ओपन हो गया है। फ्रेंड्स ये कोल्ड फायर पायरो है, इसमें से मैंने आपको खोल के दिखा दिया, तो ये मिट्टी जैसा है और ये एक्सप्लोसिव जैसा है, तो ये दोनों को मैं फायर करके आपको एक माचिस की तिल्ली लगा के आपको बताऊँगा कि जलने के बाद कैसा रहता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। फ्रेंड्स हमने ये कोल्ड फायर पायरो को खोला था, उसके अंदर ये मिट्टी निकली थी और ये पाउडर निकला था, तो दोनों को फायर करके देख लेते। तो ये मैं सेफ्टी के लिए एक्सटेंड किया और लंबा इसको डंडा और इसको कपड़ा लपेट दिया, इसको मैं जलाऊंगा तो ये जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी है सेफ्टी के लिए है, और ये मैं सेफ्टी से मैं इसको जब ही जलाऊंगा। ये पूरी तरह से जल गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, और ये जो है ये मिट्टी है उसकी सेफ्टी के लिए है। यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।